स्टूडेंट्स, पार्ट थ्री में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं मुझे अब अपना। पार्ट थ्री वीडियो में सेट्स मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें आपको मैंने सेट थ्योरी की डेफिनेशन और रस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जानकारी दी। वेन डायग्राम अभी रह गया है, और मैंने पार्ट टू में आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रस्टर फॉर्म के क्वेश्चंस कराए। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो उसके बैक वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जरूर वॉच करें। एक सीरीज से आप वीडियोस को देखें और फेयर कॉपी में नोट करें। जो स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, उनके फेयर नोटबुक मैं ज़रूर चेक करूंगा, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। सेट चैप्टर में पार्ट थ्री में मैं आज डिस्कस आपसे करूँगा टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग है, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे नल सेट। नल सेट क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में क्यों मैंने नल लिख दिया है? नल सेट क्या होता है? इसको एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसको वाइट सेट भी बोलते हैं। नल सेट, वाइट सेट, एम्प्टी सेट कुछ भी कह सकते हैं आप। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा कोई सेट पॉसिबल है? बिल्कुल है। पहले तो हम बता दें इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कर्ली ब्रैकेट बना के, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। और इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई। फाई फाई कैसे बनता है सिंबल? ये हमने ऐसे सर्कल किया और ऐसे स्लैंट एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे बोलते हैं हम लोग फाई। तो नल सेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नल सेट का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, अब आप हमको बताइए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, तो क्या टू एंड थ्री के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर होता है? क्या नहीं होता है? तो इस तरीके के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। और भी अभी हम एम्प्टी सेट पर आगे डिस्कशन करेंगे, पहले हम आपको एम्प्टी सेट हेडिंग लिखवा के उसका सिंबल बता रहे हैं और उसकी डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। आप मेरे साथ पैरेलल में नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। सिंगलटन सेट क्या है? सॉरी, सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट आप अपनी नोटबुक, सॉरी नोटबुक में तो ही नोट करेंगे, बुक जरूर पढ़ा करें जो हम चैप्टर पढ़ाए करें, और उसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हमसे पूछे जरूर। बात करते हैं यहाँ पर सिंगलटन सेट की। जैसा लिखा है नाम सिंगलटन, जैसा नाम लिखा है वैसा इसका काम है। इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली वन एलिमेंट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब आप हमको ये बताइए, अब आप तो हमसे बता नहीं सकते, तो हम ही आपको बता दें कि सिंगलटन सेट के लिए अगर हम एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल दें आपसे, तो मैं कह दूँ कि कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको मालूम होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर डिविजिबल बाय इट्सेल्फ एंड ग्रेटर देन वन। जो नंबर एक से बड़े होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन आपसे पूछा द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखा जाए तो इवन प्राइम नंबर केवल टू होता है। अब हम यहाँ पर ये लिख नहीं रहे हैं एग्जाम्पल में द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। आप सुन रहे हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। सिंगलटन सेट पहले हेडिंग लिखिएगा और उसमें क्या लिखेंगे, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और एग्जाम्पल आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने, द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, करेक्ट है? और उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इवन प्राइम नंबर क्या होगा? केवल दो, ओनली टू। अच्छा, हम आपको एक बात और बताएं, जैसे ये एलिमेंट है, इसके अंदर जीरो एलिमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? ये भी एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। कभी कभी बच्चे, हालांकि बहुत ही ऐसे कम बच्चे होते हैं, लेकिन हम जब आपको पढ़ा रहे हैं तो क्लास में बैठा अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा, उसको भी मुझे पढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है। कभी कभी बच्चे इसको मालूम क्या लिख देते हैं, नल सेट।
कहते हैं इसके अंदर एलिमेंट जीरो है। हमने क्या कहा था नल सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज जीरो, देन दिस सेट इज कॉल्ड नल सेट। यहाँ पर जीरो एक एलिमेंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक है, वो एलिमेंट वन एलिमेंट एक एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट जीरो है। किसी सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो सिंगल डिजिट होगा। वो एक एलिमेंट क्या है, जीरो है, टू है, फाइव है, वन है, वॉट एवर, आई डोंट नो, बट ये ध्यान रखिए कि अगर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें भी रहता है इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जनरली बच्चे इसको भी कर देते हैं, नल सेट लिख देते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अब वन मार्क में पूछे जाने लगे हैं ट्रू फॉल्स में, कि ये क्वेश्चन ये सेट कैसा है, नल सेट है कि सिंगलटन सेट है। तो कुछ बच्चे इसको नल सेट लिख देते हैं जबकि ये सिंगलटन सेट है। नल सेट यहाँ पर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि नल सेट केवल इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट, ये फाई सिंबल है, अगर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो अब बेटा यहाँ पर इसे बोलेंगे हम सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट एक है, वो एलिमेंट एक क्या है, फाई है। अगर कोई भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखा तो अब वो एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर फाई एज अ एलिमेंट यहाँ पर बिहेव करेगा, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ फाई आ गया तो फाई यहाँ पर एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो इसे सिंगलटन सेट बोलेंगे ना कि नल सेट। ये एग्जांपल आप जरूर नोट कर लीजिए, ये भी एग्जांपल नोट कर लीजिए। और इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा था, द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर इट इज़ ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। तो इस तरीके से आपने नल सेट और सिंगलटन सेट के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद बात आती है फाइनाइट सेट की। तो अब फाइनाइट सेट क्या होता है, जैसा कि नाम वैसा काम। फाइनाइट सेट का मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल हों, इस कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपसे दशरथ संस, तो दशरथ संस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे मैंने कहा आपसे कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसे काउंट कर सकते हैं। ऑल सिंगलटन सेट इज़ काउंटेबल सेट, ऑल सिंगलटन सेट इज़ फाइनाइट सेट, करेक्ट है। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जैसे आप दशरथ वाइफ्स कह सकते हैं, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट हेडिंग में लिख दे रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप जब फेयर नोट बनाएं तो आप एक बार बुक भी ज़रूर पढ़ लें। हालांकि आप बुक नहीं भी पढ़ेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एलिमेंट्स इन अ सेट इज काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल मैंने जो आपको बोले हैं आप लिख सकते हैं, हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस वजह से आप आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो को बैक करके भी जाके आप फिर से नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो फाइनाइट सेट मैंने हेडिंग डाल दी ताकि आप भूले ना मैंने क्या पढ़ाया आज आपको। फाइनाइट सेट के बाद फ्रेंड्स स्टार्ट होता है इनफाइनाइट सेट, जैसा नाम वैसा काम। अब इनफाइनाइट सेट की बात करूँ तो इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो अब इनफाइनाइट सेट का मतलब ये हो गया जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा कोई सेट है क्या, बिल्कुल। जैसे मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिल्कुल अनकाउंटेबल है। अब अगर आपसे कहा जाए, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ इनफाइनाइट सेट, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने के लिए आपसे कहें तो आप क्या लिखेंगे, वन टू थ्री फोर डेड डेड डेड, इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। अगर दो सेट ए और बी इक्वल हैं तो सेट ए और सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए। आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए, इज कॉल्ड इक्वल सेट। अच्छा, जैसे हम आपको इक्वल सेट लिख दे रहे हैं हेडिंग, नाम वैसा काम, बिल्कुल बहुत सिंपल है भाई। जैसे हम कहें आपसे एक सेट ए है, इसके अंदर मैंने लिखा बी ए एन ए, और एक सेट बी लिखा, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखा बी ए एन,
अब आप कहेंगे सर दे आर इक्वल, ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये दोनों सेट इक्वल हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एलिमेंट 3 है, यहाँ पर एलिमेंट 4 है, तो इक्वल कैसे हुए? तो सुन लीजिए, हमने आपको पार्ट 1 में ये बात क्लियर की थी। क्या हमने ये क्लियर किया था आपसे कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। अगर आपने रिपीट कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इसको जब आप रीडिफाइन करेंगे इसको, तो आप वापस जब इसको सेट ए लिखेंगे, तो आप सेट ए लिखेंगे बी कॉमा ए कॉमा एन। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये दोनों ही, ये मतलब बी ए एन ए जो डबल ए लिखा है इसका कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर एक केवल एक ही बार काउंट करेंगे किसी भी सेट के अंदर। ध्यान रखिएगा एलिमेंट तो वेल डिफाइन होने चाहिए, साथ ही साथ एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। और किसी सेट के अंदर अगर धोखे से भी कोई एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा बार लिखा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा उसकी काउंटिंग केवल एक बार होगी। अच्छा, इन जनरल फॉर्म में कभी भी कोई भी सेट ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन जनरेट किया जाए आपका टेस्टिंग करने के लिए कि इक्वल सेट आपको आता है कि नहीं, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, और आपसे कहा जाए कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है, तो स्टूडेंट्स को अगर ये बात याद नहीं होगी तो हो सकता है वो लिख दे इसे दे आर नॉट इक्वल बट ये इक्वल हैं, क्योंकि ये कोई भी एलिमेंट एक से जितनी बार ज़्यादा लिखा जाए उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। किसी भी एलिमेंट को हम केवल एक ही बार काउंट करते हैं उस सेट के अंदर। तो सेट ए एक्चुअल जो सेट बी ए एन ए लिखा है उसको हम एक्चुअल में क्या लिखेंगे बी ए एन, और सेट बी भी क्या है बी ए एन, इसका मतलब क्या हुआ दे आर इक्वल। तो ये आपको इक्वल सेट समझ में आया। तो अब इक्वल सेट्स के बाद अब हम पार्ट 4 में आगे आपसे चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स और भी आगे चर्चा करेंगे। इस तरीके से मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं सारे टाइप्स को इस वीडियो में नहीं क्लियर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट सेट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।